हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हो गया मेरा वर्कआउट। अब मैं सेम वीडियो क्या आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैं आपके साथ प्रोग्रेस शेयर करूंगी कि हाँ, स्टैमिना बढ़ गया है। हाँ, बीच में एक आध दिन मिस हो जाता है। जो 15 दिन का चैलेंज है वो 15 दिन में नहीं हो पाएगा। कभी 10 की शिफ्ट लग जाती है, कभी लेट पैकअप हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं है कि आके मैं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज की बिल्कुल ही आदत नहीं है। तो उस वजह से मैं नहीं कर पाती। मेरा स्टैमिना अभी तक उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा लगता है। छुट्टी होती है उस दिन सोचना, या शूट हो उस दिन भी मैं कई बार शाम को आके करती हूँ, लेकिन हर बार नहीं हो पाता। अगर शायद मुझे पहले से एक्सरसाइज की आदत होती तो मैं उस रूटीन में आ जाती, लेकिन चलो, बेटर लेट देन नेवर। और एटलीस्ट ये है कि गैप बीच में हो रहा है, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं है। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं अभी भी, लेकिन एटलीस्ट मैं अब अटेम्प्ट कर पाती हूँ वो करना। बिल्कुल ही छोड़ नहीं दिया, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड डे होता था कि एक ट्राई किया, दो ट्राई किया और उसके बाद नहीं हो पाया। दूसरी बात ये कि सिर्फ तुम के एक्टर्स के साथ मैंने लास्ट टाइम जो बनाया था वो आपको कैसा लगा, विक्रांत जी और ममता जी के साथ, तो वैसे ही अभी मैंने दूसरों के साथ भी थोड़ा थोड़ा शूट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं दूसरे दो एक्टर्स शेयर करने वाली हूँ जो मेरी फैमिली के हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मैंने उनके साथ क्या बातचीत की और क्या होता है हमारे बीच में, हमारी केमिस्ट्री कैसी है, वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं अब वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, एंड लेट्स गो। तो इस फ्लोर पे है सबसे पहले मेरा कमरा, उसके बाद दादी का कमरा, और उसके बाद जो हमारी बुआ है तनु विद्यार्थी, उनका कमरा। तो दादी के पास हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं तनु के कमरे में। दादी भी यही बैठी है, हम तो अभी दादी के कमरे में जाने वाले थे। कैसे हो दादी? भाभी इज द कैमरामैन। यस, वन सेकंड। तो मैंने अपना कैमरा रख दिया है ट्राइपॉड पे ताकि आप हम तीनों को एक साथ देख सके। तो ये है मेरी सहेलियाँ, हमारी फैमिली। यस, ये है जसजीत जी, हमारी प्यारी सबकी ये मेरी बहू रानी। क्या बोलना चाहिए? प्योर इंडियन। खाली टीवी पे? नहीं। अच्छा, वैसे भी है। अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत प्यार। अब बहू बनी, अब ईवा के बारे में बताओ। ईवा बहुत प्यारी बच्ची थी। और हाँ, शैतान नहीं, वैसे तो शैतान है पूरा दिन कहते रहते। एक्चुअली ईवा शैतान है, सुधा बहुत स्वीट है, लेकिन ईवा जो है बहुत ही फुल प्रैंकस्टर। और तनु जो है वो मेरे लिए अलग अलग टाइप के अचार लेकर आती है। कभी आंवले का अचार, कभी मिर्ची और गार्लिक का अचार, और फिर अब कौन सा लाएंगी? अब बनाना होगा। और दादी मुझे फ्रूट्स खिलाती है और मुझे हेल्दी बनाती है। आज उन्होंने मुझे कस्टर्ड एप्पल खिलाया, सीताफल, जो मैंने सीजन का पहला खाया। एक्चुअली मैंने खाया ही नहीं था। मैंने खाया ही नहीं इस साल। देयर यू गो, यू शुड हैव मेड अ विश, कहते हैं ना, व्हेन यू ईट सीजन्स फर्स्ट यू शुड मेक अ विश। ओह, इज इट? एंड इट विल कम ट्रू। अभी मना मैनिफेस्ट कर दो। आई विश कि दादी रोज मेरे लिए फ्रूट लेकर आए। तो देख लिया वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो हफ्ते दर हफ्ते अलग अलग एक्टर्स के साथ मैं क्या वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ वो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिएगा, उससे आपको पता लगेगा जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और जैसे मेरे एक्सरसाइज होती जाएगी मैं उसका प्रोग्रेस भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, and I love you all.